इस ब्लॉग का बहुत बेसब्री से इंतजार था। मैं चाहता था कि ये खाना बनाए। तड़का मेरी सासू माँ ने लगा दिया, तो इसके सगन कैंसिल है। करछी लगाई है मैंने ऐसे ऐसे। वाह वाह वाह। और मार ही नहीं है तेरी तड़का को, मैंने रेडी करके रखा है, बस वीडियो कट होने से सब पहले तड़का आएगा। जो नेहा ने सब्जी बनानी है वो आ गई, मैंने बनाई। वाह कितनी प्यारी लग रही थी। मम्मी बोलते थे मधु को सब कुछ बनाना आता है, तो क्या हुआ, वो तो ऐसे ही बोल दिया। एक कटोरी चीनी डाल दी है, दो कटोरी पानी, गैस ऑन किया था। टिकड़ा बना रही हूँ मैं, हलवा नहीं बना रही हूँ, सॉरी। चल लव यू, नहीं मैं लेफ्ट हो जाए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस ब्लॉग का बहुत बेसब्री से इंतजार था। मैं चाहता था कि ये खाना बनाए। मतलब इसने मेरे को तो कभी खिलाया नहीं। क्यों नहीं खिलाया? पोहा मैंने बना के नहीं खिलाया तुझे? चिल्ले। अरे हमारे यहाँ पे चलते हैं रोटी, परांठे, साग, वो सब आज मैं ही बनाएगी ना। नहीं देखो, आज साग भी मिलेगा, बट ये जरूरी नहीं है कि वो मैंने बनाया हो। मतलब आज आलू की सब्जी भी मिलेगी, पर ये जरूरी नहीं है कि वो मैंने बनाया। Bro, what are you talking about, man? यार पता नहीं, आज वैसे नेहा पहली बार किचन में काम करने वाली। हम बॉबी भी निकलने वाले, तो सोचा कि ये किचन वाली रसम में एंट्री करा दे। तो पहले तो मेरे को तो इससे सिर्फ यही उम्मीद थी, शायद मीठे में कुछ बना देगी, कच्चा हलवा या जलेबी। कच्चा हलवा? रेसिपी यार तुझे याद है, एक बार मैंने तेरे लिए केक। मैं बुरी चीजें याद नहीं रखता। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी देखते हैं नेहा क्या बनाती है, और सब लोग रेडी हो रहे हैं। घर पे भी कौन कौन है उन सबसे भी मिलते हैं। पहले मेरा लुक 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 और अच्छी लग रही है। ये साड़ी शिल्पा जी ने स्पेशली मेरे लिए भिजवाई है हैदराबाद से। थैंक्स। तो मतलब उन्होंने मुझे बोला था ये साड़ी शादी की किसी रस्म में पहनना, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाया, और मैंने आज साड़ी पहनी। वैसे मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, बट आई लाइक दिस साड़ी। आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करना। चलो अभी जल्दी से रस्म शुरू करते हैं। छोटे को बंद कर रखा है अंदर साले। तो चलो अभी जल्दी से शुरू करते हैं सारी रस्म। ये पुर्टाले वाली मासी है, और ये मेरे पीछे पड़ी हुई है कि तूने आज गजरा लगाना ही है। फिर इन्होंने बोला कि नहीं, किसी को तो भेजो और गजरा मंगवाओ। वो इसलिए है, मासी बोलते कि चलो कुछ तो अच्छा लगे, फूल ही अच्छे लग जाएंगे, शक्ल ही लग। रुको जरा, सबर करो। ये ऐसे ही सुंदर है, वो तो मेरे मन की इच्छा थी वो गजरा लगाने, पर गजरा लगाने की इसको जरूरत ही नहीं। मजा आया। मासी मेरे को आज पता चला आप झूठ भी बोल लेते हो। पर तेरे को थोड़ा सा वो मेकअप जो करा के आया ना, वो तेरे को लोड थी। मेरे को मेकअप की जरूरत थी? मैं तो करवाता ही नहीं मेकअप। मेरे को सब पता, मैं करवाया है मेकअप। इधर हाथ लगाओ। मैं चंपी करवा के आया। ये साड़ी शिल्पा शिरोडकर जी ने दी हुई है, दीदी ने मुझे साड़ी नहीं दी। कुछ तरीका भीख मांगने का। और ये हमारी शिल्पा दीदी हैं, सिरसा में इनका बहुत मस्त सैलून है, और जहाँ पे ये मेकअप है, और अच्छी अच्छी पिक्चर्स अपलोड होने वाली है इंस्टाग्राम पे, जिसमें दीदी ने मेरा मेकअप किया रिसेप्शन का, बहुत ही अच्छा लुक बनाया। अब इसने ये इसलिए बोला कि आप इससे पैसे ना लो। पैसे तो लगेंगे। अच्छा पैसे तू तो दे के नहीं आया, अभी करवा के आया। मैं तो चंपी की है, चंपी के पैसे उसके भी 500 है। अभी तुम मेरे घर पे खाना खाओगे ना, उससे कट हो जाएंगे। तू तो गया बेटे। और सरदार जी सत श्री अकाल। कपो बोलो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बोलो लाइक शेयर कमेंट। क्या बात है। चलो भाई नेहा जी ने शुरुआत कर दी आज, तो नेहा ये भी नहीं कह सकती रेस्टी हेल्प कर दो। ये रसम है। रसम है तो वो हलवा मीठा बनाऊंगी ना। नहीं नहीं, सारा खाने की रसम है ये। साग तो मेरी मासी बना के लाई है। कुछ तो बनाना पड़ेगा, एक बार सॉन्ग तो मैंने कर दिया, कट कर दिया। और ये तड़का मेरी सासू माँ ने लगा दिया, तो इसके सगन कैंसिल है। करछी लगाई है मैंने ऐसे ऐसे। वाह वाह वाह। और चने की सब्जी मेरे जीजू लेने गए। तो फिर तुम क्या करने वाले हो? और माय राइट हैंड इज हियर, ये सारे सुशील ने बनाए। तो भाई फिर ये किस चीज की रसम है, किस चीज की रसम है यार? ये प्याज क्यों उठाया तुमने? आई डोंट नो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये तो कोई बात ही नहीं है फिर, ये तो कोई रसम ही नहीं हुई। नहीं हुई है। ये देखो टमाटर मैं ही काटती दूंगी। आई नो टमाटर कैसे काटते हैं। कुछ एक सब्जी तो बना चल बनाऊंगी मैं, हलवा बनाऊंगी और उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी मैं। अच्छा बनाऊंगी देख लेना। मैं खुद यूज़ एक सेकंड फिर ये क्यों करते हैं? अरे वो सोन कर दिया। ये देखो यार सोन मतलब शगुन, शगुन कर रही हूँ। ओके
यार मैंने पहला काम किया और वो भी चाकू दे दिया मेरे हाथ में। हाँ, जबकि तेरे पास इससे तीखी जुबान थी। नहीं, रेसी से ज्यादा तीखी तो थी ही नहीं। जब बेइज्जती है। इसको भी खाने के अलावा कोई काम नहीं है। तो दीदी कह रही मैं अपने घर काम सारा खत्म करके आई हूँ, स्टूडियो का भी काम करके आई हूँ, अब यहाँ तुम्हारे खाने भी बनवाओ। चलो कुछ तो बनाओ यार, कोई सब्जी तो बनवाओ यार। ये देखो। हाँ जी, क्या है ये? बस में झूले हो? वाओ, आओ प्याज कटवाओ मेरे साथ। काकू नहीं, ओ ओ ओ ओ खा गया। कोई बात नहीं पापा जी, हलवा नहीं है। पापा कहते हैं हलवा। ये नहीं बना रही खाना? वो भी मेरी हेल्प करने आ, पापा जी भी हेल्प करने आए। देखो तुझे आप हेल्प करोगे? ओ देखो, हाँ कभी अपनी बोटी की हेल्प की है? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। खाना लाओ, भूख लगी है, जल्दी करो। सारे ऐसे खड़े हैं, देखो। नहीं नहीं कुछ नहीं करना सुशील, आज यही करेगी और इसको ही करना पड़ेगा। आज मैं और सुशील छुट्टी पे, आज मैं भी कोई काम नहीं करूंगा, सुशील भी कोई काम। ये तो आप जिंदगी में भूल जाओ कि ये लड़का काम करता है। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले क्या। ये जीजू आ गए हैं, नेहा ने जो सब्जी बनानी है वो लेके और गजरा लेके, जो नेहा ने सब्जी बनानी है वो आ गई। मम्मी बनाई है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लगाओ भाई, गजरा लगाओ। ये फंस गया सी है। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे सारे दोस्त ही पंजाबी थे बानी के शो के टाइम से, इसीलिए मेरे को पंजाबी आ गई थी। मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी से सारी पढ़ाई की है। चलो चलो खाना बनाओ, आज सारी पढ़ाई काम आएगी खाना बनाते हुए। चलो तो नेहा जी हलवा कैसे बनाने वाले हैं? ऐसे YouTube पे देख के। अरे बेटा क्यों मेरी नाक कटा रही है, कुछ तो बना ले। टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रही हूँ तो क्या गलत है क्या इसमें? नो 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 नो। अगर ये रस्म मेरी होती ना, मैं 50 आईटी में यूं बना लेता, अपने ससुराल वालों को खुश कर देता एक बार। तो जा रहे जा। मेरे को सब कुछ बनाना आता है और मैं सब कुछ बहुत अच्छे से बना सकता हूँ। चल झूठा। मम्मी बोलते थे मधु को सब कुछ बनाना आता है। तो क्या वो तो ऐसे ही बोल दिया। ओ भैया धोखा। सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब इससे ज्यादा खाना मुझे बनाना आता है और ये सारे पैसे ये लेके जाने वाली है। अच्छा, आधा हिस्सा तो तू इसमें भी ले लेगा मुझसे। 50-50 पर मेरे को पता है, इसने मेरे को देने नहीं है 50। टू कप्स ऑफ वाटर डालो। ये मैं डालूं? हां तो 50-50 नहीं लेना, जल्दी करो। तो सॉरी सॉरी सॉरी, देख एक काम भी नहीं आता तेरे को। अच्छा मैं अच्छा, करता हूँ। मैंने करा है, दो कटोरी पानी हो गया। मैं इसकी पूरी हेल्प करूंगा, सगन में मेरे को आधा हिस्सा चाहिए। अभी चीनी चीनी लेते हैं ना। चीनी और हमने अब एक कटोरी चीनी भाई, ये तो बोल रही है। मैं पूरी हेल्प करूंगा, टेंशन नहीं लेनी। एक कटोरी चीनी डालनी है, दो कटोरी पानी। गैस ऑन किया ना, मस्त जोक मारा। अच्छा बात नहीं है। ये हमने सेम कटोरी की मेजरमेंट सेम कटोरी की मेजरमेंट ली गई। अरे मैं बता रहा हूँ ना कि मैं हेल्प कर रहा हूँ। अच्छा चीनी डाल दो, चीनी डाल दो। अच्छा अब दो पहले डाल देती है। दो कटोरी पानी लिया था, अब एक कटोरी चीनी लेंगे। हाँ डाल दे। गुड गुड, वेरी गुड। अब इसको मैं बताता हूँ, अब इसको हम हिलाएंगे। मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, मेरे पास अभी अवेलेबल दो कढ़ाइयाँ एक साथ नहीं है क्योंकि यहाँ पे तड़का बन रहा है। हमारे घर बहुत कढ़ाइयाँ हैं तो मैं चाहिए, तुम बताओ। बेइज्जती मत करो हमारी। तो मैंने ये वाली कटोरी ली है, दो कटोरी पानी और एक कटोरी चीनी। अब मैं इसको गर्म कर रही हूँ। बेसिकली मुझे सिर्फ चीनी को इस पानी में मिक्स करना है, मतलब चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ चीनी को पानी में घोलना है गर्म करके, बस इतना ही करना है। अब मैं लूंगी एक कटोरी देसी घी, फुल एक कटोरी देसी घी। कड़ा हाथ में घी ना आए तो मजा नहीं आता। अब हम लेंगे एक कटोरी देसी घी। यार इतना घी डलता है? अब हम हलवा भी तो ज्यादा बना रहे हैं ना।
कुछ और ही मत बना देना। नहीं वैसे तो ना थोड़ा भी बना सकती थी पर मेरे को ना कटोरियाँ बड़ी आ गई हैं, अब ज्यादा बनेगा। कोई बात नहीं, और पड़ोसियों को भी कह देंगे हमारे यहाँ पे बहू ने बनाया। उनको किस बात की सजा देनी है, क्या पता अच्छा ही बन जाए। घर वाले तो झेल देंगे, चलो बहू ऐसी आई है। तुझे ज्यादा फिक्र हो रही है, आप बना ला। ये देखो क्या चल रहा है भाई, भूख लगा। चलो भाई जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। एक कटोरी देसी घी डाल दिया, अब उसमें हम डालेंगे एक कटोरी आटा। मैंने ऐसे हलवा बनता कभी नहीं देखा, क्योंकि तुमने सिर्फ खाया ही है ना, बनता देखा नहीं ना बनाया। बात तो सही है। देखो पानी में सिर्फ चीनी मिक्स हो गई, इससे ज्यादा हमने से कुछ नहीं करना। अब बस ये गोलियां सी ना बने इसका ध्यान रखना है, उसको हिलाते रहना पड़ता है ना। पापा भी आ गए, पता चलेगा भी अच्छा बनाती है। टेस्टिंग हो रही है, ये खाने का लैब टेस्ट। तुम्हारे घराने में मुझे इतने जजेस मिलेंगे, अभी तो हो रहा है दो। ये देखो मैंने घी इतना इसलिए डाल दिया, गोलियां बनेंगी नहीं। आपने पहली बार क्या बनाया था जब आपकी शादी हुई थी? मेरे को तो वो कहते थे गोबर पाको। अच्छा, और आपको? मैंने खीर बनाई। नहीं नहीं गोबर नहीं पाना, वैसे झूठ बोल दिया। मासी ने तो बोल दिया, मासी गोबर बनाया था। काफियां खाते थे, काफियां खाते थे पहले आप हमारी मम्मिया से, फिर हमारे से खीर बनवाई और हलवा, फिर हम सारे को बांटा। फिर कितने दिन बाद शादी के, कितने दिन बाद हमारे लिए उतरते ही कर दिया। और कांडा आपका? दूसरे दिन के दिन मना ही दिया। बड़ी बात, एक साल मतलब किचन का काम ही नहीं करने दिया, किचन का काम नहीं करने दिया हमने अपनी भाभी को। अब शिल्पा को बोलो। नहीं नहीं ठीक है, करो करो काम करो। ये देखो अब ऐसे बुलबुले से उठेंगे इसके, हम इसको थोड़ा सा ब्राउन हल्का सा कर लेंगे। और देखो हो जाएगा, हो जाएगा माता। जैसे कर रही है वैसे करने दो, फिर तभी तो पता चलेगा इसको आता है कि नहीं आता। बहुत तेज हो रहा है, ट्राई करने दो एक बार, देखते क्या बनाते हैं। नहीं बादाम कुछ नहीं पाना, अगर इलायची है तो इलायची दे दो। नहीं सौगी तो पा, हमारे को तो स्वाद लगती है। हलवा बनने वाला है भाई। मैं तो घबरा तो नहीं रही ना। नहीं देखे कैसे देख रहे, ये खुद को घबराएगी, हम खाना इन्होंने घबराएंगे, ये जिन्होंने खाने उनको घबराहट होनी चाहिए। नेहा कॉन्शियस लग रही है मेरे को, ये तो एंड मोमेंट पे मैंने नेहा की हेल्प करती तो थोड़ा सा सही बन गया। मतलब अभी बना नहीं है पूरा, बट ट्राई कर रहा हूँ मैं। कटोरी मैंने लाके दी, पानी मैंने लाके दिया, चीनी मैंने बताया कहाँ पड़ी है, अच्छा बताया मैंने कि हलवा बनाना है, फोन मैंने लाके दिया यूट्यूब पे देखने के लिए। हलवा देखना क्या बनने वाला है, जबरदस्त। एक्सप्रेशन बड़े अजीब से थे। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। पापा पूछ रहे हैं नीचे नीचे ईंटें रखी हुई है, लंबी लग रही है, कितनी बड़ी हील डाली है दिखाइयो। ओ ये हो गया ब्राउन, ये सही समय है, डाल दो पानी। देखा कलर सुंदर हुआ, पानी ज्यादा नहीं डाल दिया। नहीं नहीं अभी फूलेगा देखना, बस मेरे को ये मेरी लाज रख लेना भाई, मेरी लाज। अरे यार बीच में ब्रेक लग गई मुझे, अब ये टेंशन है इसकी गोलियां ना बन जाए, पर कर लूंगी मैं। वाले हाँ। क्या बात है, गलती से ही सही, पर ठीक लग रहा है मेरे को तो ये। ठीक है क्या तुझे? हाँ फाइनली मेरी मेहनत रंग लेके आई। हाँ जोर लगाया वो था ना साइड पे बैठे हो रहे। मेरी वोटी ने बनाया यार, ये बहुत हार्ड है, कपड़ा दो। चल लाओ अब तुम्हारे पति काम आएंगे। अब इसको तब तक खिलाते रहना हमें जब तक ये घी ना छोड़ दे। मेरी बाजू थक गई है, लास्ट दूसरी कढ़ाई ना गिरा दियो पीछे वाली। लव यू, लव यू, लव यू। देसी घी छूट रहे नहीं तो तब तक लगे रहो। आ गया, ये लो पकड़ो, चलो आ गया, आ गया, आ गया। बहुत जोर लगता है, बहुत जोर लगा। अगर तूने मेरे को शगन के आते पैसे ना दिए ना तो देख लियो पक्का। ये तो वक्त ही बताएगा। देखो हलवे ने पूरा घी छोड़ दिया ना, मेरा डिसीजन ठीक था। तुमने मेरा रोटी के डिसीजन पे क्या वो जज? अरे नहीं नहीं तो ये रसम है ना, रसम में तुम फेल हो जाती हो, वैसे तो मेरे को भी पता तुमने कौन सी बना के खिलानी है। ये देखो बहुत मस्त, ओ हो, ये तो बिल्कुल जैसे गुरुद्वारे में बनता है भाई, ऐसा फील हो रहा है। ये तो हम सेव भी कर सकते हैं निकाल के कुछ भी। ओहो लस्ती, इसका लुक एंड फील तो देखो हलवे जैसा लग रहा है ना। तो भगवान जी को भोग लगा देती हूँ और उसके बाद बाकी सबको भोग लगाती हूँ। भोग
करवा दिया और अब बीच में मिक्स करके सबको खाने के साथ दे दो। सबसे पहले आपको दीजिए। लगता है आपके प्यार में गिर गई भाई। चलो भाई, पापा जी की प्लेट हो गई है रेडी। पहले तो मैं अपनी साड़ी संभालूं। शर्माते हुए जाओ ने हाँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। चलो चलो वेट हो रही है। आपके लिए पहली रसोई का पहला खाना। वहाँ बोल रहे इधर रखो, सर पे थोड़ा रखो। सर पे नहीं बोला, मुझे भी बोल रहे हैं। वो मेरी तरफ से ऐड ऑन। हाँ पैर लाइए पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए। बैठो बैठो। सारे पैसे, इसमें रेस्टी का कोई हिस्सा नहीं है, मैं सामने सामने बता रही हूँ। इधर तो देख मामी। थैंक यू काकू, लाओ जल्दी दो दे मेरे को, जल्दी दो। अब मूड चेंज हो गया, अब मूड चेंज हो गया। दे दे मैं खाना दूंगी। अच्छा अच्छा पक्का मूड चेंज हो गया। लेट हो गया बस, ये यहाँ पे ऐसी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चले तो काम करा अपना। थकी है प्लेट लाती हूँ आपके लिए। मुझे पहले बता देते सबने पैसे देने में, और प्लेट ले आती हूँ। अरे नहीं प्लेट इतनी। थैंक यू जी। मम्मी कहती है मेनू फड़ा दे ले लिया वापस। अपने अपने आप आप डाल लेंगे। अच्छा जी, जी कहते हैं जल्दी से खा के बताओ। नेहा पास हुई फेल हुई? जीजू खा चुके हैं। पास एक, चलो एक जने ने पास कर दिया। अच्छा नमक पक्का पापा सही कहेगा। चलो यहाँ मम्मी जी से भी बोलो रिजल्ट कैसा। हलवे में नमक ठीक है। इतना इतना सोने का बोला मम्मी। देखो चलो मेरी माता भी जुड़ बोलते हैं। अच्छा आप भाई, मेरी मासी रहेगी बोलते, मैंने भी जाना। आओ आओ मासी। और नहीं नहीं मासी रह गई थी। आओ 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 मासी, हमारी व्लॉग में पूरे है, टेंशन नहीं लेना। फुटेज आई दीदी कटोरी देना। मासी को टेंशन होगी, मासी बोलते मैं आ रही हूँ। ये लो मासी, आप पे ये कैमरा, ये सारा लगेगा, मैं कुछ भी नहीं काटूंगा। अब मासी बताएंगे कैसा बना। मासी टेस्ट करो। स्पेशल जज बॉम्बे से बुलाएं। आप पहले आप मेरी तरफ प्यार से। थैंक यू। प्यार तो जोर बड़ा सी। हमने कभी नहीं ऐसा खाया। हमने नहीं खाया। मासी मासी अभी पूरा अंदर गया भी नहीं हलवा। मासी आप ऑडिशन देने शुरू करो। मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओ। मासी खा तो लो पहले फिर बोलना। अभी मैं जेन्युइन रिव्यू दूंगा, सबने बहू के चक्कर में झूठ ही बोले हैं। इसके मतलब अच्छा बनने के पीछे एक ही रीजन है, मैंने 2 कटोरी पानी दिया था जूस में, प्रॉपर मतलब इतना सी भी ज्यादा नहीं हुआ। जो चीनी 1 कटोरी डाली थी वो भी मीठा एकदम परफेक्ट। और ना मैं ही उसको हिला रहा था कब से। मैंने तो कुछ नहीं किया। शगुन के पैसे गायब हो गए। सो ये था हमारा ब्लॉग, और नेहा ने सच में बहुत अच्छा हलवा बनाया। मेरे को उम्मीद नहीं थी पर ठीक है, मैंने पूरा साथ दिया। कैसे कह सकता है कि जो उम्मीद नहीं थी, मैंने एक बार तुझे खिलाया हुआ बना। मेरे लिए एक बार बाय चांस गलती से सही बन गया, पर इसने इस बार उससे भी अच्छा बनाया। थैंक यू। और इसको काफी सारे पैसे मिले हैं। मुझे खुद नहीं पता था। तो वो हिसाब हो गया, रिश्तेदार देके जाते थे, मम्मी ले लेती थी। तो कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग, कमेंट करके जरूर बताना। और फिर आगे और भी बहुत सारे लोग आने वाले, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।